पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे नाम एक लेक्चर नंबर 18 और 17 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, और अब जो है चैप्टर अंत की समाप्ति पर है। अब कुछ ही लेक्चर बाद जो है हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, और आपको जो है एनसीईआरटी मेरे साथ कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी यहाँ तक कंप्लीट नहीं की तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपकी एनसीईआरटी इनकम्प्लीट ही रहेगी। तो उसके लिए आपको जो है एनसीईआरटी कंप्लीट करती रहनी है। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम अल्फा चाय को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, ज्यादा नहीं है, और उदाहरण त्रिया दशमलव एक भी देखेंगे। और चलिए फिर शुरू करते हैं। उदाहरण करने से पहले आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, उसके बिना जो है आपको उदाहरण समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, प्रारंभिक द्रव्यमान ऊर्जा एवं क्षय उत्पादों की कुल द्रव्यमान ऊर्जा का अंतर इस प्रक्रिया का क्यू मान है, तो अथवा विघटनज ऊर्जा कहलाता है। तो विघटनज ऊर्जा कहलाता है, क्या कहलाता है, जो हम जैसे ये क्यू है। अब देखिए जो इसमें एक्स क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्स है मान लीजिए, रुकिए, और ये द्रव्यमान है एक्स का, और ये जो है ये द्रव्यमान है जो है हमारे साथ में, याद करिए मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन ऐसी बनती है तो, रुकिए मैं बना के बताता हूँ। एक्स बराबर वाई प्लस हीलियम, हीलियम में नीचे कितना होता है, दो, ऊपर कितना होता है, चार। अब एक्स में यहाँ कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, अपनों केवल इतना देखना है कि जो वाई का द्रव्यमान है और जो अपना एच का द्रव्यमान है, इनको जोड़ने पर जो एक्स का द्रव्यमान उससे ज्यादा आएगा। यह हमें पता है, यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो है एक्स का द्रव्यमान और वाई जो है एक्स और एक्स का द्रव्यमान वाई और हीलियम दोनों के द्रव्यमान से जो है मतलब कम आना चाहिए, हमें पहले पढ़ चुके हैं। तो जो है कुछ ना कुछ जो है उनका द्रव्यमान कुछ ना कुछ ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो हम उसी ऊर्जा को निकाल रहे हैं जो विघटन जो ऊर्जा उसी को कहते हैं, वही ऊर्जा हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि वो ऊर्जा कितनी है जो है वो द्रव्यमान से जो है परिवर्तित हो गई है अपने ऊर्जा ऊर्जा में, और जो है अपने हीलियम और क्या बोलते हैं वाई को द्रव्यमान को मिला के जो द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, उस ऊर्जा को जो है निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए जो द्रव्यमान है एक्स का, उसमें से जब हम वाई का द्रव्यमान घटाते हैं और हीलियम का द्रव्यमान घटाते हैं, तो यानी कौन सा द्रव्यमान आ गया हमारे पास, वो द्रव्यमान आ गया जो कि बच गया, मतलब जो कि माइनस में आएगा, इसका आंसर वो हमको बताया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझने वाली बात है कि 2 मिनट रुकिए। हाँ देखिए, तो ऐसे क्या हुआ, हमको पता है कि ये माइनस में आएगा, लेकिन समस्या है कि जो जो इसमें से बाहर जा रही है ऊर्जा, इसलिए जो है माइनस में आना जो है सही भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर माइनस में आ रहा है। तो कुल मिला के आपको जो है एक्स में से वाई का द्रव्यमान और एच का द्रव्यमान घटाना है, और फिर जो है उसको, और हमने जो फॉर्मूला पहले पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने पहले, ई बराबर एमसी स्क्वायर। तो द्रव्यमान में जब हम सी स्क्वायर का गुणा कर देते हैं तो हमको जो है ऊर्जा मिलती है। तो जो द्रव्यमान द्रव्यमान हमने वो निकाल लिया, जो जो द्रव्यमान हमको जो है क्या उस कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान एक्स्ट्रा मतलब जो कन्वर्ट हो गया मतलब परिवर्तित हो गया ऊर्जा में, वो हमने निकाल लिया, और फिर उसका जो है सी स्क्वायर से गुणा कर दिया। तो सी स्क्वायर से गुणा करने के बाद जो है क्यू ऊर्जा आ गई, और इसी क्यू ऊर्जा को हम विघटनज ऊर्जा कहते हैं। चलिए, ऊर्जा का यह मान इस प्रक्रिया में जनित कुल गतिज ऊर्जा अथवा उत्पादों की कुल गतिज ऊर्जा यानी कि प्रारंभिक नाभिक एक्स स्तर हो भी है, मतलब गतिज ऊर्जा भी है, मतलब कहने का मतलब है कि ऊर्जा का यह मान इस प्रक्रिया में जनित कुल ऊर्जा अथवा उत्पादों की कुल गतिज ऊर्जा भी है। स्पष्टतः किसी ऊष्मा शेपी प्रक्रिया जैसे कि अल्फा क्षय के लिए क्यू जो है वो जीरो से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, वो इसलिए बड़ा होगा क्योंकि जो है जैसे अल्फा क्षय के उसमें देखेंगे, उसमें जो है हीलियम और जो है उसकी वाई की वैल्यू जो है उनका द्रव्यमान मिलाएंगे तो वो जो है एक्स से ज्यादा आएगा, लेकिन जो है अब ये दिक्कत ये है कि किसी भी जैसे कि ऊर्जा का यह मान किसी प्रक्रिया में जनित कुल ऊर्जा अथवा उत्पादों की कुल ऊर्जा खुद गतिज ऊर्जा यदि प्रारंभिक नाभिक एक्स स्थिर हो भी है, स्पष्टतः किसी ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया जैसे कि अल्फा क्षय के लिए क्यू जो है ग्रेटर देन जीरो होगा। अल्फा क्षय में हीलियम निकलता है, इस केस में जो है क्यू क्यू जो है अपना जो है वो जीरो से बड़ा होता है। रुकिए जरा, तो इसमें जो अपना जो विघटन ऊर्जा है ये जो है जीरो से बड़ा होता है, कहने का मतलब है जो है धनात्मक होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे उदाहरण 13.6। तो ये उदाहरण जितना देखने में कठिन लग रहा है उतना है नहीं, इसको फटाफट निपटाएंगे। चलिए,
तो हमें निम्नलिखित परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं। यूरेनियम जिसका द्रव्यमान 238 है और इसका जो है परमाणु संख्या कितनी है 92 है, और इसका जो कितनी कितना दी हुई है द्रव्यमान 238.05079 न्यू, और हीलियम जो है इसका दी हुई है हमको 4 द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या 2, जिसका जो है एमयू कितना दिया हुआ है 4.00260। फिर हमको दिया थोरियम जिसकी जो है द्रव्यमान संख्या 2 234, और हमको जो है परमाणु संख्या 90, इसका जो है एएमयू कितना है उसका द्रव्यमान दिया हुआ है 334.03 म्यू, और जो फिर हमको दिया है हाइड्रोजन इसकी द्रव्यमान संख्या भी 1 है और इसकी जो है अपनी द्रव्यमान संख्या 1 ही है और परमाणु संख्या भी 1 है, इसका जो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 1.00783 म्यू। फिर हमको दिया है प्रोटियम, प्रोटियम की जो है क्या बोलते द्रव्यमान संख्या जो है वो दी हुई है 237, और जो है हमको परमाणु संख्या दी हुई है 91, और इसके जो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 237.05121 म्यू। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ जो प्रतीक पी ए तत्व प्रोएक्टिनियम है जिसका जो जेड यानी कि जिसको कहते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो दोनों 91 होंगे, मतलब जेड अगर 91 है तो प्रोटॉन भी 91 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 91 होंगे। तत्व के लिए यूरेनियम 238-92 के लिए अल्फा ए सॉरी ए अक्ष में उत्सर्जित उत्सर्जित ऊर्जा परिकलित कीजिए। चलिए पहले हम ए वाला पार्ट करेंगे, फ्रॉम बी वाला पार्ट करेंगे। ए वाला पार्ट करने के लिए उसमें दिया है कि हमको अल्फा क्षय निकालना है। अब देखिए सबसे पहले तो हमको ये पता चल गया कि जो है 238 यूरेनियम हमको लेना है जिसकी द्रव्यमान संख्या 238 हो और परमाणु संख्या 92 हो। ये किस में परिवर्तित हो रहा है, किसी भी एक्स में परिवर्तित हो रहा है मान लीजिए, और जो है साथ में क्या ही हीलियम निकलेगा क्योंकि हमको पता है हीलियम निकलना है अल्फा अल्फा क्षय में। इसकी जो है परमाणु संख्या 2 होगी, द्रव्यमान संख्या 4 होगी। तब देखिए इसमें जो क्या है कि अब जब इसमें जो हमने आपको बताया था कि द्रव्यमान ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा ये दोनों जो है दोनों दाएं और बाएं और बराबर रहते हैं, तो अगर यहाँ 238 है और यहाँ 4 है तो यहाँ पे कितनी होगी 234, 2 3 4 द्रव्यमान संख्या, तो जब यहाँ 92 है या 2 है तो यहाँ क्या हुआ 90। अब देखिए अब यहाँ क्या आप क्या इनमें से पहचान सकते हैं कि आपको यह कौन सा जो है परमाणु है, हाँ थोरियम, तो दिख रहा है कि थोरियम में जो है 90 परमाणु संख्या है, 234 जो है द्रव्यमान संख्या है, तो ये जो है थोरियम है, तो इसको यहाँ पर जो है इरेज करके इसको हम थोरियम लिख देते हैं। थोरियम ठीक है। अब देखिए उसमें क्या है हमको निकालना क्या है उत्सर्जित ऊर्जा परिकलित की है, तो उत्सर्जित ऊर्जा परिकलित करनी है, तो उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होगी, हमने आपको बताया था कि उतनी ही ऊर्जा उत्सर्जित होगी जितनी की जो है हमको जो है जितनी ऊर्जा थोरियम और ये क्या बोलते हैं हीलियम कह सकते हैं इनको बनाने में जो मतलब यूरेनियम जब टूटा होगा इन दोनों में टूटा होगा, तो इन दोनों में टूटा होगा तो कुछ ना कुछ ऊर्जा निकली होगी, हमको जो है वही ऊर्जा कैलकुलेट करनी है। तो हम ऊर्जा कैसे निकालेंगे, हम वही ऊर्जा जो बाहर आएगी जो द्रव्यमान से दो द्रव्यमान संख्या से मतलब द्रव्यमान संख्या जो है परिवर्तित हो गई होगी ऊर्जा में। हमने जो फॉर्मूला आइंस्टीन का जो फॉर्मूला मेन फॉर्मूला पढ़ा है क्या होता है ई बराबर एम गुड़े सी स्क्वायर, तो यहाँ से जो है अगर हमको वो द्रव्यमान पता चल जाए कि कितना द्रव्यमान जो है परिवर्तित हुआ है तो हम ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो है हमको यूरेनियम का द्रव्यमान दिया हुआ है इतना, थोरियम का द्रव्यमान दिया हुआ है इतना, और हीलियम का द्रव्यमान दिया हुआ है इतना। तो देखिए अगर हम हमको बताया कि थोरियम और हीलियम का जो द्रव्यमान ज्यादा होगा, थोरियम और हीलियम का द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो इसमें से हम यूरेनियम का द्रव्यमान घटाएंगे, उसमें यूरेनियम का द्रव्यमान घटाएंगे तो जो द्रव्यमान आएगा वो द्रव्यमान होगा जो है वो द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हुआ होगा, वह उसको जो है हम यहाँ एम की जगह लिखेंगे, और सी स्क्वायर जो हमको पता है जो लाइट की गति होती है उसको जगह गुणा कर देंगे, लाइट हमारी ऊर्जा आ जाएगी। अब देखिए अब दूसरा देखते हैं, अब दर्शाइए कि जो है यूरेनियम 238 और 92 स्वतः प्रोटॉन उत्सर्जन नहीं कर सकता है, तो ये जो है आगे देखेंगे, वो जो है एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिया है उसी से इसको समझेंगे, तो चलिए उसको आगे देखते हैं। एनसीईआरटी में जो क्या लिया है उसको देखेंगे, तो यूरेनियम 238 इसका द्रव्यमान संख्या है और 92 इसकी परमाणु संख्या है, अल्फा क्षय समीकरण 13.20 के अनुसार होता है,
इस प्रक्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा के लिए सूत्र है, जो मैंने आपको जैसे बताया था, यूरेनियम में से जो है थोरियम और हीलियम का जो है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि जो है कुछ ऊर्जा जो है कुछ जो है अपनी द्रव्यमान संख्या परिवर्तित हुई होगी। जैसे अब मान लो यहाँ पे देखते हैं, इस केस में हमने आपको जो 2 मिनट रुपये बताता हूँ, थोड़ा शायद उल्टा बोल गया था तो मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। देखिए यूरेनियम जो है इसमें कुछ कन्वर्ट होगा तो कुछ जो है यहाँ पर ऊर्जा भी होगी परिवर्तित, सो ऊर्जा को जो है हम क्यू के नाम दे देते हैं। तो ये ऊर्जा जब होगी, जब जो है द्रव्यमान कुछ होगा यूरेनियम के पास ज्यादा, यानी कुछ इनमें जो परिवर्तित हुआ होगा तो जो द्रव्यमान बच गया होगा उसी उसी का जो है हमको ऊर्जा देखने को मिलेगी। तो ठीक है, तो ऊर्जा किसकी देखने को मिलेगी, जो जो द्रव्यमान इनके द्रव्यमान से ज्यादा हो गया होगा, मतलब इनका द्रव्यमान कंप्लीट हो गया, फिर देखा कि यार कुछ द्रव्यमान बच गया, तो कुछ द्रव्यमान बच गया, जो बच गया उसको जो ऊर्जा परिवर्तित कर दिया। अब समझ में आया आपको, जो पहले जो मैंने थोड़ा शायद गलत बोल दिया था, फिर मैंने सही बोल दिया, अब मैंने सही बता दिया, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन में जो है इसका उल्टा होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब देखिए, तो जो है यूरेनियम का द्रव्यमान, वैसे हम जो थोरियम का द्रव्यमान घटाएंगे और हीलियम का द्रव्यमान घटाएंगे, उससे जो है हमका हमारा वो द्रव्यमान आ जाएगा जिस जो ऊर्जा परिवर्तित हुआ है उसको जो है सी स्क्वायर से जो गुणा कर देंगे। तो प्रश्न में दिए गए आंकड़े उपयोग सूत्र में प्रस्थापित करने पर 238.05079 में से दो जो किसका ये जो है द्रव्यमान यूरेनियम का है, 234.043 63 जो थोरियम का जो है अपना वो है क्या बोलते हैं द्रव्यमान है, और फिर हीलियम का द्रव्यमान 4.00260 इसका जो है हीलियम का द्रव्यमान है। तो जब अपन यूरेनियम के द्रव्यमान में से थोरियम और हीलियम का द्रव्यमान घटाएंगे तो वो द्रव्यमान निकलेगा जो ऊर्जा में परिवर्तित हुआ है, तो बस उसको गैस फ्रॉम सी स्क्वायर से गुणा कर देंगे। सी स्क्वायर हमने आपको बताया था कि ये हम पहले ही निकाल चुके, सी स्क्वायर को अगर डायरेक्ट सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो तो 931.5 का आप गुणा करके जो है डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हम कुछ कुछ लेक्चर पहले जो है इसको देख चुके हैं। और जब आप उसको 931.5 से जो है 931.5 जो है से गुणा करेंगे तो इसकी जो है डायरेक्ट जो है अपना ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगा, तो जो है ऊर्जा जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, कितनी होगी 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अच्छा ये आपको समझ में आया होगा, आप इसका बी पार्ट देखते हैं, पहले इसका बी पार्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था। तो दर्शाइए कि यूरेनियम जिसका द्रव्यमान संख्या 238 है और जिसका जो परमाणु संख्या 92 है स्वतः प्रोटॉन उत्सर्जन नहीं कर सकता, तो देखते हैं ये कैसे प्रूव करेंगे इसको कि प्रोटॉन उत्सर्जन नहीं कर सकता। तो यदि यूरेनियम 238 और जिसका द्रव्यमान संख्या 238 है और जो है परमाणु संख्या 92 है से एक प्रोटॉन का स्वतः उत्सर्जन होता है, तो मान लीजिए कि जो है एक प्रोटॉन उत्सर्जन होता है मान लीजिए, तो सह प्रक्रिया के को इस प्रकार लिखेंगे, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे 238 है यहाँ पे एक है तो उसको 237 लिखेंगे, 92 है इधर एक है तो उसको 91 लिखेंगे, पर हमने प्रश्न के अनुसार देखा कि ये जो है प्रोएक्टियम है, प्रोएक्टियम है तो बस उसके हिसाब से हम उसको समझा, तो यहाँ पे पीए लिख दिया। और यदि यह प्रक्रिया संभव हो तो इसके लिए, यदि अगर प्रक्रिया संभव है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, यूरेनियम में से हम जो है पीए जो है प्रोएक्टियम का द्रव्यमान यूरेनियम के द्रव्यमान में से प्रोएक्टियम का द्रव्यमान घटाएंगे और हीलियम का द्रव्यमान घटाएंगे, ठीक है उसको घटाने के बाद उसको जो है 231.5 से गुणा करेंगे, जब 931.5 से गुणा करेंगे तो जो है ऊर्जा जब जो निकली वो कितनी निकली, -7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कहने का क्या है, ये तो माइनस में आ गई, तो यह प्रक्रिया का क्यू क्योंकि ऋणात्मक है अतः इसका स्वतः क्षय होना संभव नहीं है। यूरेनियम 238 और 92 नाभिक से एक प्रोटॉन उत्सर्जन करने के लिए हमें इसको 7.68 ऊर्जा प्रदान करनी होगी, मतलब एक प्रोटॉन उत्सर्जन उत्सर्जित करने के लिए हमको इसको 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा प्रदान करनी होगी, तो ये जो है माइनस में होनी सकती, तो अगर ये माइनस में है तो वह तो ये संभव नहीं है। और तो ये मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमने जो है यूरेनियम में से जब एक हाइड्रोजन निकाला तो हमको जो है प्रोएक्टियम का जो है ये बना द्रव्यमान संख्या 237 और जो है परमाणु संख्या 91, तो हमने डायरेक्ट इसको लिखा, तो जब हमने इसको जो है यूरेनियम के द्रव्यमानों से प्रोएक्टियम का द्रव्यमान और हीलियम का द्रव्यमान घटाया तो हमने देखा जो द्रव्यमान आया उसमें जब हमने 931.5 का जो है गुणा किया तो आंसर आया -7.65 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है ऋणात्मक है तो ये जो है असंभव है, ये संभव नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस में आएगा तो इसको जो है ऊर्जा उल्टी देनी पड़ेगी। तो यूरेनियम 238 और जो है 92 का परमाणु संख्या है नाभिक से एक प्रोटॉन उत्सर्जित करने के लिए हमें इसको 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्रदान करनी होगी, तो ये संभव नहीं है। चलिए आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने अल्फा क्षय को कंप्लीट कर मतलब आज हमने पढ़ा अल्फा क्षय को कंप्लीट किया,
और उदाहरण 13.6 जो है हमने देखा। तो अल्फा शाह हमारा कंप्लीट हो चुका है, कल जो है बीटा शाह के बारे में पढ़ेंगे और उससे अगले लेक्चर में हम गामा शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो बीटा शाह को जो आपको पढ़ के आना अगले लेक्चर में, क्योंकि इसको हम जो है कम्प्लीट कर देंगे। और यहाँ तक जो मैंने आज पढ़ा दिया है इसकी एनसीईआरटी जो आपको पढ़ लेनी है, और बीटा शाह की एनसीईआरटी जो है उसको आप रीडिंग लगा के आनी है अगली क्लास में, जिससे आपको अगला लेक्चर जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, बस कल आप बीटा शाह की जो एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और आज मैंने जितना पढ़ा है उसकी एनसीईआरटी भी जो आपको पढ़ लेनी है। और बाकी बस उदाहरण जो हमने किया आपको उसमें मजा आया होगा, और अब आगे उदाहरण देखेंगे हम कभी और। तो उदाहरण करने से क्या होता है कि आपको जो सूत्र याद होते हैं, अभी थ्योरी भी क्लियर होती है। उदाहरण जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण होते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए उदाहरण कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आपका उदाहरण समझना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण समझने के लिए आपको जो सूत्र सार याद होने चाहिए, और आपको जो थ्योरी सारी क्लियर होनी चाहिए। और थोड़ी सारी क्लियर कैसे होगी, आप जब एनसीईआरटी को बार बार पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी को जो बार बार पढ़ना उतना है, जितना जितनी बार बार पढ़ोगे उतनी अच्छी हो जाएगी। उसमें कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ो या दो बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे आपको उतनी जो है एनसीईआरटी क्लियर होती जाएगी। तो चलिए आज के लिए यही खत्म करते हैं, धन्यवाद। इतना मोटिवेशन काफी है, मोटिवेशन काफी आज के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली जो है अपनी अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद। एनसीईआरटी जो है पढ़ लीजिएगा, जो हमने आज पढ़ाया वो भी, और जो अगले लेक्चर पढ़ा जाने वो भी। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, गुड बाय।